हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सो गाइस, रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है, और जिन भी ईश्वर को आप पूरे दिल से मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं हम रीडिंग को। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। आइसोलेशन, हार्मनी, इंटेंसिटी, कॉम्प्रोमाइज। Completion, change, adventure, dream, turning in, bottom of the deck से है trust की energy। Let's see, उनको हम clarify करते हैं। सबसे पहले understanding की energy को clarify करेंगे हम। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ वंड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रही है यहाँ पर कि लाइक आपके पर्सन ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है शायद अभी आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो। सो जो सेल्फ लव वाली एनर्जी है, मुझे लगता है कि शायद आप उतना इनको टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि उतना आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई, क्योंकि सेल्फ लव एनर्जी इट मीन्स आपने इनको प्रायोरिटी पर नहीं रखा हुआ। आपकी प्रायोरिटी अभी आप खुद हो, या आपसे जुड़ी हुई लाइक जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट खुद हो आप। अभी मैं जो देख रही हूँ सेल्फ लव वाली एनर्जी, वो बताते हैं कि आपकी प्रायोरिटी अभी आप खुद हो, ये पर्सन अभी नहीं है, और हो सकता है एक टाइम पर ही आपकी प्रायोरिटी रहा करते थे। तो मुझे ऐसा दिखाई देते कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी प्रायोरिटी थी वो चेंज क्यों हुई। पहले वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे थे, आप सब चीज़ों से ध्यान हटा के सिर्फ उनके ऊपर फोकस करते थे और उनके ऊपर ध्यान लगाते थे, बट सडनली जो है आपने अपनी प्रायोरिटी क्यों चेंज कर ली,
सडनली आपने उनको बहुत ज़्यादा टेंशन देना बंद क्यों कर दिया, तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सडनली ये चेंज कैसे आ गया आपके अंदर, सडनली इस तरीके से ये बदलाव कैसे आ गया। और यहाँ पर है टॉरस वर्गो इन कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि। आइसोलेशन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आइसोलेशन की एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, आइसोलेटेड एनर्जी में है, ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में नहीं है, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा और बहुत अकेला फील कर रहे हैं। क्यों, लेट्स सी, क्लियर करते हैं। आइसोलेशन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है दी एम्प्रेस एंड यहाँ पर है डेथ कार्ड। आपके पर्सन ना एक अकेलापन इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको खो रहे हैं या उन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं उन चीज़ों को देखते हुए आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि जो कंडीशंस हमारे बीच में चल रही हैं उनको देख के उनको ये फील होता है कि शायद वो आपको खो रहे हैं या आप उनसे दूर जा रहे हो, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपको खो देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ जो है उनको बहुत बेचैन भी कर रही है, चीज़ उनको बहुत परेशान भी कर रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी ना बहुत ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लाइक, अब मुझे लगता है शायद आप इसलिए भी सेल्फ लव वाली एनर्जी में गए, आपने इसलिए भी उनको अटेंशन देना कम किया ताकि वो आपकी वैल्यू को समझे, क्योंकि शायद वो आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे थे, वो आपको वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे थे। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अभी कहीं ना कहीं आपकी कमी उनको महसूस हो रही है अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज़ ये कि वो डर भी रहे हैं कि कहीं आपको खो ना दे, या फिर उनको लग रहा है कि आपको खोते जा रहे हैं वो। क्यों, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि आप एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है उसको कोई भी खोना नहीं चाहता भाई, ऐसे इंसान को कोई खोना नहीं चाहता, सिंपल से चीज़ ये है। वो आपको एक हाई एनर्जी में अभी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील होती है कि आपके अंदर सारी ही वो क्वालिटीज़ है जो कि एक अच्छे पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, एक लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, किसी तरह की कोई कमी ये नहीं बता सकते या नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आपको खोने का सबसे मेन रीज़न, मतलब डरने का, आपको खोने के डर का मेन रीज़न ये भी है कि इनको लगता है कि आपकी जैसी पर्सनालिटी का पर्सन इनको फिर से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी है, बट वो कहीं ना कहीं चेंजेस को देख रहे हैं, वो बदलाव को देख रहे हैं कि पहले कैसे था सब कुछ और अब कैसे है सब कुछ। और आप भी कहीं ना कहीं, आपको भी पता है कि हाँ चीज़ें चेंज हुई हैं, या आपने अपने जो पहले आप सब कुछ छोड़ के उनके लिए अवेलेबल रहते थे, आपने भी वो चीज़ कम की, क्योंकि एम्प्रेस ना झुकती नहीं है किसी के आगे। एम्प्रेस को पता है कब क्या करना है, तो मुझे लगता है कि आपका खुद का डिसीज़न है, क्योंकि जब आपने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत अटेंशन दी, बहुत टाइम दिया, तो उस पर्सन ने वैल्यू ही नहीं की। और इनको वैल्यू कराने के लिए आपके पास इससे ज़्यादा और बढ़िया ऑप्शन कोई था नहीं, या इससे बढ़िया कोई आइडिया नहीं था। आपका यही था कि जब तक इंसान के पास चीज़ें अवेलेबल होती है उसको वैल्यू नहीं होती है, जब इंसान से चीज़ें हट जाती है या चली जाती हैं दूर तो उसको वैल्यू होती है। एंड आई थिंक आप ये चीज़ कर रहे हो और आप सेल्फ लव को फॉलो कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो और उन पे से आपने ध्यान हटाया, या फिर उनको आपने सेकेंडरी कर दिया, लाइक यू नो कि ठीक है सारे काम मेरे, उसके बाद तुम्हें मैं डील करूँगी या करूँगा। तो ये चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है और ऑफकोर्स ये चीज़ उनको रियलाइज़ भी करवा रही है, आपकी कमी भी कहीं ना कहीं वो महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर है टॉरस वर्गो इन कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। हारमोनी की एनर्जी, आपके पर्सन हारमोनी चाहते हैं, आपके पर्सन पीस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए और एक जो था एक बॉन्डिंग वो फिर से बन जाए आपके साथ, तो वो हारमोनी चाहते हैं। ओके, हार्मनी एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है द सन और यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपके पर्सन अपनी पहले की लाइफ को बहुत मिस करते हैं। पहले बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती थी इनकी, बहुत हैप्पी भी रहते थे, एक्साइटेड रहते थे, खुश रहते थे। और कहीं ना कहीं आपका हो सकता है एक चाइल्डिश नेचर था, या आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे, या आप हमेशा उन्हें भी खुश रखने की कोशिश करते थे। तो मुझे दिखाई देते कि वही पहले के दिन और वही पहले की एनर्जी उसको बहुत मिस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि वो एनर्जी फिर से आ जाए। और इनको बहुत ज़्यादा होप्स है कि ये हारमोनी आएगी, इनको बहुत ज़्यादा होप्स है कि वो पहले जैसी बॉन्डिंग फिर से बनेगी। मतलब ये बहुत उम्मीदें रख रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत आशा रख रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है, तो लाइक एक होता है ना कि दुख होता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इनको थोड़ा हर्ट होता है, और फिर ये अगले ही पल खुद को दिलासा देते हैं या खुद को शांत करते हुए कहते हैं कि नहीं, एक टाइम पर चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, एक टाइम पर धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्लियरिटी आ जाएगी हम दोनों के बीच में। सो एक क्लियरिटी ला करके हारमोनी चाहते हैं आपके पर्सन की, एक क्लियरिटी आ जाए और वो एक फिर से वही पीस, वही बॉन्ड हमारा बन जाए। और यहाँ पर है लियो सिंह राशि। इंटेंसिटी एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपकी पर्सन एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर मुझे थोड़ी, मतलब उनकी एनर्जी में थोड़ा शिफ्ट मुझे नज़र आता है, और बहुत फास्ट शिफ्ट है। इंटेंसिटी एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। यस, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ फील होते हैं कि डेविल एनर्जी में रह करके या आपको कंट्रोल करके या आपको अपने इशारों पे ये नहीं चला सकते हैं। इनको फील हुआ कि ये आपको अपने इशारों पर नहीं चला सकते, ये आपको मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं, या आपको कंट्रोल या डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और ना ये डेविल एनर्जी में रह करके आपको पा सकते हैं। इनको समझ में आया है कि अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे जो है अपनी एनर्जीज को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, और इस डेविल एनर्जी से निकल के एक पॉजिटिव एनर्जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी में जाना पड़ेगा, जहाँ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ेगी। क्योंकि हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल एक रिस्पॉन्सिबल क्वीन है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है एक नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ ये बेफिक्र हुआ करते थे, जहाँ ये मैन्युपुलेटिव हुआ करते थे, जहाँ ये टॉक्सिक एनर्जी में हुआ करते थे, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ब्लेम करना, चीट करना, झूठ बोलना, एडिक्शंस में रहना, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाना, कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी, बिल्कुल बेपरवाह है रिलेशनशिप को लेके, तो इन सब में वो बदलाव लेकर के आना चाह रहे हैं अपने अंदर, कि मैं बदलाव ला के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनूँ, खासतौर पर एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पर अगेन टॉरस वर्गो इन कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या और मकर राशि। एंड स्पेशली ये आपके लिए ही चेंज होना चाहते हैं, क्योंकि इनका ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा तो एक दिन मैं उसको खो दूंगा या खो दूंगी। तो स्पेशली ये खुद को आपके लिए ही चेंज करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपके पर्सन मुझे कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी उनको क्या लगता है ऐसा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्स एंड यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी। यहाँ पर है एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जो कि मुझे लगता है कि आप खुद सुनोगे तो शायद आपको भी थोड़ा सा ये लगे कि हैं ये भी कोई वो चीज़ है, मतलब थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगेगा, या फिर हो सकता है आपको हंसी भी आए।
बात यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो आपके लिए बदलाव लेके आ रहे हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो आपके लिए वो चेंज लेके आ रहे हैं, वो ज़िद्दी और खुद के रूड बिहेवियर से बाहर निकलना, या सिर्फ खुद की बात को ही सही मानना, बाकी सब गलत है, मैं ही हूँ सही, और ये जो एनर्जी में शिफ्ट है ना, ये इसको कॉम्प्रोमाइज़ मान रहे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, मैं खुद को बदल रहा हूँ। आप इसको कह सकते हो कि होता है कुछ लोगों में कि वो थोड़ा भी बदलते हैं तो कहते हैं कि मैंने देखो तुम्हारे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैंने खुद को बदला, मैंने खुद की चीज़ों को छोड़ा। उनको ये नहीं पता कि वो अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो अपने भले के लिए कर रहे हैं। अगर उनके अंदर बदलाव आएगा तो वो उनसे उन्हीं का भला होगा, किसी और का नहीं। वही एक अच्छी पर्सनालिटी बनेंगे, वही एक अच्छे इंसान बनेंगे, बट नहीं, उनको लगता है कि ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि ये जैसे हैं उसको बदल के थोड़ा अपने आप में बदलाव लेकर के आ रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है भाई कि वो आपके लिए इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ से, मतलब वो खुद को बदल रहे। कभी नहीं बदलते हो किसी के लिए भी नहीं, मतलब उनका ये कि मैं अपने आप को कभी किसी के लिए नहीं बदलता, बस सिर्फ तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ। तो वो एक एहसान टाइप जो होती है ना, वो चीज़ है। तो अब आप इसको किस वे से लोगे, या फिर ये आदत है आपके पर्सन की, या फिर मैं ये कहूँ कि वो इसलिए ऐसा सोच रहे क्योंकि जब बदलने की बात आती है ना कि मैं अपने अंदर बदलाव लाऊं, तो शायद उनका ईगो हर्ट होता है उससे, उनके ईगो को बहुत ठेस पहुंचती है कि यार मैं क्यों बदलूं। और जब वो ये करते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ मैं इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, देन उनका ईगो थोड़ा शांत हो जाता है। जब वो ये करते हैं ना कि मेरी गलती है और मैं गलत हूँ इसलिए बदल रहा हूँ, तो उनका ईगो हर्ट होता है, और ईगो करता है, ट्रिगर करता है इंसान को। जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं सिर्फ जस्ट रिलेशनशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो ईगो थोड़ा शांत रहता है। तो मुझे लगता है वही सीन इनके साथ भी हो रहा है। आपका अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकते हैं। कंप्लीशन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। कंप्लीशन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड एंड यहाँ पर है द मून। ऑल्सो वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीशन को बताता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ रह करके ही कंप्लीट महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में पूरी तरीके से आ जाओगे, या फिर जब आप उनकी लाइफ में होगे ना, तो उनकी लाइफ एकदम कंप्लीट हो जाएगी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर हुए हो, सॉरी गाइस, तो उनको ये लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो उन्हें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक तरीके से ये कि शायद आपसे दूर जाके या आपसे दूर होके उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, आपके बिना उनकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में। तो वो होता है, और मैं वही यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये द वर्ल्ड एनर्जी भी वही बताता है कि उनकी जो दुनिया है और उनके जो सपने उन्होंने सजाए हैं, उसमें आप आओगे तो चीज़ें फुलफिल लगेंगी उनको, ओके। एंड यहाँ पर है टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लियो, सिंह राशि, एंड कौन सा साइन रह रहा है, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है। चेंज एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, लेट्स सी, चेंज एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ पेंटिकल। आपके जो पर्सन है ना, उनके सोचने के तरीके में बदलाव आया है, ये मुझे बदलाव दिखता है, मुझे चेंज दिखाई देता है कि आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आया है, कि वो धीरे धीरे करके अपनी ईगो वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, जहाँ वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि मुझे कहाँ अपना ईगो रखना चाहिए और कहाँ अपना ईगो नहीं रखना चाहिए।
तो आपके जो पर्सन है उनके जो आप ये कह सकते हो कि जो बिलीव्स है ना वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं, कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती है गहरी आदतें जो कि बहुत समय से हम उन्हीं को फॉलो करते आए और उनके अंदर कोई बदलाव नहीं करते। हम एक हैबिट बना ली हमने, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनमें बदलाव आ रहे हैं। इनका मतलब जो एक सोचने का तरीका, जैसे कि एक हमारा बिलीफ है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा होने वाला है या कुछ गलत होगा या हमारा काम नहीं बनेगा, एक बिलीफ है। लेकिन बात आती है कि अब हम इसको चेंज कर रहे हैं समय के साथ कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो वही मुझे दिखाई देते कि इनके भी कुछ बिलीव्स है, कुछ सोचने का पैटर्न है जिसमें चेंज आ रहा है, जिसमें बदलाव आ रहा है। ओके, अगेन यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या और मकर राशि। एडवेंचर, एडवेंचर एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मजिशियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी बोर हो रहे हैं, उनको चाहिए एडवेंचरस लाइफ, लेकिन कुछ भी एडवेंचरस हो नहीं रहा, कुछ भी एक्साइटिंग हो नहीं रहा, उनको अभी बोरियत हो रही है क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स उतना एडवेंचरस नहीं है हमारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ना कुछ नया चाहिए। वो बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं चीज़ों से, और अभी भी मुझे वही दिखाई देता है कि कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ एडवेंचरस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि कुछ ऐसा हो क्योंकि ये बोर हो गए हैं। और यहाँ पर द मजीशियन है जो कि एक खुराफाती दिमाग को बताता भी है, क्योंकि मजीशियन जो है अपनी ट्रिक्स से सबको दंग कर देता है, हैरान रख देता है। जब भी कोई मजीशियन होता है जो कि जादू करता है तो हम सब शॉक रह जाते हैं, ये कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल हुआ, हमारी आंखें और मुंह फटा का फटा रह जाता है। सो यू नो है इनके अंदर वो चीज़ें, इनको शायद वो चीज़ें एक्साइट करती हैं कि लाइक ये जो है दूसरों को बेवकूफ़ बनाएं, मैनिपुलेट करें, ट्रिकरी एनर्जी में रहें, ट्रिक्स खेलें। तो ये चीज़ इनको थोड़ा, इनकी लाइफ में ना थोड़ा मिर्च मसाले का काम करती है कि इनको मज़ा आता है वो सब करके, और अब वो उस चीज़ को बदलना चाह रहे हैं। सो क्योंकि इनको लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ सही नहीं है, इसकी वजह से मेरे रिश्ते ख़राब होते हैं। तो इनको थोड़ा बोरियत, मतलब वो चीज़ इनके लिए एडवेंचर है, वो चीज़ इनके लिए एक्साइटिंग है। सो चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ कुछ अलग हो, कुछ एडवेंचरस हो, इनको चैलेंजेस पसंद है, मुझे ये दिखाई देता है। अगर इनको कोई किसी चीज़ के लिए चैलेंज करे ना तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते, चैलेंजेस पसंद है इस पर्सन को। यहाँ पर है जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। ड्रीम एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ये ड्रीम्स देख रहे हैं आपके, सपने आ रहे हैं इनको, दोनों एनर्जी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, डे ड्रीमिंग को भी और जो नेचुरली हमें सपने आते हैं वो भी। द ड्रीम एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई देते कि आपके पर्सन को ना थोड़े से ना ऐसे सपने आते जो कि इनको थोड़ा परेशान कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, इनको ना ऐसा सपना आता है आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनको छोड़ के जा रहे हो, और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको रोक नहीं पा रहे, आपको रोकना चाहते हैं बट रोक नहीं पा रहे, और आप इनसे दूर हो रहे हो। इस तरीके के सपने आपके पर्सन को आ रहे हैं। आई थिंक कि ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है, ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, ये चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है, बिकॉज ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रहें, बट आई फील ये थोड़े इमोशनल सपने देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़े इमोशनल सपने देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि दूर हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ उनको फील होता है। तो मैं एक बेचैनी सी देख रही हूँ आपके पर्सन की, कि वो बेचैन हो जाते हैं जब भी उनको ऐसा सपना आता है, डरते हैं कि कहीं सच ना हो सपना, क्योंकि ये चीज़ नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क मीन और वृश्चिक राशि। टर्निंग इन एनर्जी क्लैरि, आप कह सकते हो डरावने सपने आना, डरावने मतलब कि जो हमें डरा दें और वो डरते हैं इस बात से, मे बी डरावने या फिर बेचैन करने वाले सपने। ओके, सो
ये देखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इसलिए भी ये सपने देख रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि आपको ये खो देंगे या आप उनसे दूर जा रहे हो, मे बी इसलिए। टर्निंग इन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आपकी पर्सन ना अभी बाहरी जो लोग हैं ना उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, जस्ट अपने दिल की सुन रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, बाहरी जो इन्फ्लुएंस है, बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी, सबको इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट अपने मन की सुन रहे हैं। और इनका मन क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। टर्निंग इन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द लवर्स। इनका मन कहता है चाहे कितने ही प्रॉब्लम्स आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अलग है। मुझे दिखाई देता है इनके फैमिली इश्यूज भी होंगे इस कनेक्शन में, जिसके कारण कमिटमेंट में और स्टेबिलिटी में इशू आएगा। बट मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन का जो मन है कि भारी शोर शराबे को बंद कर दिया, सिर्फ अपने मन की सुन रहे। मन कहता है कि तेरा सच्चा प्यार है और इसको तू एक्सेप्ट कर। द लवर्स एनर्जी बताती है कि दिल से कहीं ना कहीं इनको यही महसूस होता है कि नहीं, ये जो मुझे प्यार मिल रहा है ऐसा किसी और से नहीं मिलेगा और यही मेरा रियल लव है। और ये एक डीप सा कनेक्शन आपके साथ फील होना, ये खिंचाव महसूस होना कि लोग चाहे कुछ कहें, कोई भी मुझे कुछ भी कहे, लेकिन दिल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके लिए इनको कोई नेगेटिव बात बोल रहा है ना, तो ये अब इनका दिल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इनका दिल कहते हैं नहीं, ये ऐसा है ही नहीं, जो भी है मतलब इनको इनको ना एक अंदर से है आपके ऊपर भरोसा, फिर बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी कहे। सो ये अपने मन की जब सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं अच्छा ही सोचते हैं ये। और इनके दिल में आप हो और आपके लिए प्यार है, और इनको ये भी मालूम है कि आपसे ज़्यादा प्यार और कहीं से मिलेगा भी नहीं इन्हें। और यहाँ पर है जैमनाए मिथुन राशि। ट्रस्ट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल। इनको विश्वास है कि जो भी चीज़ें गलत हुई हैं इस रिलेशनशिप में वो ठीक हो जाएंगे। जो भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव चल रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो गया है कि किसी कन्वर्सेशन के दौरान आपने उनसे कुछ बोल दिया है, उन्होंने आपसे कुछ बोल दिया है, तो इनको ट्रस्ट है, इनको बिलीफ है कि धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में किसी से डिस्कस भी करते हैं। मुझे लगता है हो सकता है किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं आपने इनसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया, इनको ब्लॉक कर दिया है आपने, तो आई फील ये किसी से हेल्प ले सकते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। किसी के थ्रू हो सकता है आपको कोई मैसेज भी भिजवा सकते हैं, बट हाँ ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि इनको एक बिलीव है अंदर से, एक ट्रस्ट है कि धीरे धीरे करके चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। ओके, तो ये वाला इनके अंदर एक बिलीफ है। नंबर मैं आपको कुछ डेट एंड नंबर बताती हूँ जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। देखो 14, ठीक है, 14 और 5 और 23, 19, 3, 21, 6, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मई, मार्च, जून और अगस्त, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये कुछ डेट्स एंड मंथ्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके लिए मैं एंजल्स की तरफ से मैसेज लूँगी। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। A year from now, romance, wait। देखिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले आपका प्यार आपके साथ होगा, आपका रियल लव आपके साथ होगा। आपको वेट करना चाहिए सही समय का,
क्योंकि सही समय जो है ना, मतलब चीज़ें ना हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जिन चीज़ों का जो समय है ना, उसी समय पे वो चीज़ें हमें मिलनी है। सिंपल से चीज़ है। तो आपको यहाँ पर वेट करने के लिए कहा जा रहा है, वेट करें पॉजिटिवली, कुछ मन में ग्रजेस ना रखें, कोई भी मन में चीज़ें ना रखें, फॉरगिव करें। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, माफ़ करें, अपने अंदर कोई भी बोझ ना रखें। जब हम कोई भी ग्रजेस वगैरह रखते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो नहीं रखना। आपने जितना भी वेट करना है बहुत पॉजिटिव होकर के करना है। इस साल में, इस दिसंबर तक आपको आपका प्यार मिल जाएगा। एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि इस दिसंबर तक आपका प्यार आपके साथ होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।